सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। जब तक जीवित रहूंगा तब तक स्वच्छता अभियान से जुड़ा रहूंगा और आसपास के इलाकों में लोगों को सफाई के लिए जागरूक भी करूंगा। यह कहना है तरहसी प्रखंड के कमलकेड़िया निवासी 85 वर्षीय वृद्ध का। वैसे तो हमारे देश में जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और अभी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो लगातार कई सारे स्वयंसेवी संगठन हैं, जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार भी स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन इन सबों के बीच आज हम आपको एक ऐसा वाक्या बताने वाले हैं जिसे जानकर आपको खुशी भी होगी और एक प्रेरणा भी मिलेगी। तरहसी प्रखंड के कमलकेड़िया निवासी 85 वर्षीय रुद्रेश्वर बाबा अब सफाई बाबा के नाम से मशहूर हो चुके हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 1956 में अनुसेवक के पद पर बहाल हुए रुद्रेश्वर बाबा ने सबसे पहले अपने कार्यालय में साफ सफाई करना शुरू किया था। कार्यालय परिसर को स्वच्छ रखते थे और जब वे 1991 में रिटायर हुए तो अपने गांव में आकर, गांव में जो साप्ताहिक हॉट बाजार लगता है, इसके अलावा गांव में सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, वहां जो मेला का आयोजन होता है, चाहे वो महाशिवरात्रि हो या फिर नवरात्र हो या फिर मकर संक्रांति हो या कोई भी ऐसा अवसर जब मेला का आयोजन होता था और उस वक्त हॉट बाजारों के वजह से काफ़ी गंदगी होती थी और जो मैदान है उनके गांव का वहां पॉलीथीन कागज़ के अलावे कई सारे ऐसे गंदे कूड़े कचरे पड़े होते थे जिन्हें वो लगातार 26 वर्षों से साफ कर रहे हैं। और अब उन्होंने यह लोगों से अपील किया है कि मोदी जी ने जो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की है उसमें सभी लोग भागीदार बने। तो निश्चित एक प्रेरणा है कि एक 85 वर्षीय वृद्ध जो अपने निजी कार्यों से हटकर आज भी समाज के लिए, अपने गांव के लिए एक मिसाल कायम कर चुका है, इससे लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सेवा निवृत्त जब हो गया 91 में तो मैं एकदम अपना मन से स्वेच्छा से मैंने झाड़ू बहाड़ू सफाई का काम करने लगा। इसके पश्चात हमको समय मिला बहुत, इसे हम यहाँ के आने वाले पीढ़ी को या जो नवयुवक है उनको हम प्रेरणा दे रहा हूँ कि ये 85 वर्षीय वृद्ध सेवानिवृत्त अनुसेवक सर सफाई, जैसे मंदिर का प्रांगण हुआ, यहाँ पर 4-5 फंक्शन होते हैं, मकर संक्रांति, रामनवमी, शिवरात्रि मेला और दुर्गा पूजा, यहाँ पर साफ सफाई का काम हम करते हैं। यहाँ तक छठ घाट नदी जहाँ पे चौर जो रहा दुकान में हम अपना मन से करते रहता हूँ निस्वार्थ भाव से। और हम जब तक जीवित रहेंगे, मैं शपथ लिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक सफाई का कार्य मेरा चलते रहेगा।